नमस्कारम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुक विद किली में। आज मैं आपके साथ पालक पनीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। खाने में एकदम स्वादिष्ट न्यूट्रिशियस ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पालक को 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। पालक को वॉश करने के बाद हम इसे बॉईल कर लेंगे। एक बर्तन में डाल के थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे और 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। इसको बॉईल होने में ज़्यादा देर नहीं लगती तो ये तुरंत ही बॉईल हो जाएगी। जब तक कि ये बॉईल हो तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने 2 चम्मच तेल लिया है बर्तन में, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अब हम इसमें एक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। प्याज सुनहरा होने तक हम इसे चलाते रहेंगे। अब हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाल देंगे, थोड़ा सा चलाएंगे हम इसे। प्याज हमारी सुनहरी हो चुकी है, अब हम इसे इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी जस्ट हमें टमाटर के पहले ही ऐड करनी है, इससे इसका स्वाद है पालक पनीर का बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे, अच्छे से चलाएंगे जिससे कि कसूरी मेथी का स्वाद मसालों में घुल मिल जाए। अब हम इसमें एक कटा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि ये एकदम गल न जाए। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसलिए ये थोड़ी ही देर में गलने लगेंगे। पानी डालने से टमाटर है वो जलेंगे नहीं और ऐसे ही पानी में गल जाएंगे। तो थोड़ा सा ही हमें सिर्फ इसमें पानी डालना है, चलाना है। थोड़ी देर के बाद टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, सभी मसाले एकदम अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें कटे हुए पालक के टुकड़े ऐड कर देंगे। छोटे छोटे बारीक कटे हुए पालक के टुकड़े हम इसमें ऐड करेंगे और उसे भी मसालों के साथ अच्छे से चला लेंगे। पालक हमारी बॉईल होके तैयार हो चुकी है, अच्छे से बॉईल हो चुकी है पालक। अब हम इसे ठंडा करके मिक्सर में पीस लेंगे और प्यूरी बना लेंगे पालक की। पालक की प्यूरी बनके तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं मिक्सर में। अब हम मसालों में पालक की प्यूरी डाल देंगे। प्यूरी के ऊपर हम डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल चिली पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर हमें पालक को एकदम पकाना है, ऐसे ही चलाते रहना है हमें। वैसे तो पालक हमने बॉईल की है लेकिन फिर भी हमें इसे थोड़ी देर के लिए इस तरह से चलाकर पकाना है, तभी इसका स्वाद है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। पालक पनीर की सब्जी में लहसुन का तड़का तो आना ही चाहिए, तो अब हम इसमें ऊपर से लहसुन का तड़का देंगे। तेल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा ऐड कर देंगे, जीरा अच्छे से तड़क रहा है। अब हम डालेंगे लहसुन कूटा हुआ, थोड़ी सी कश्मीरी लाल चिली पाउडर ऐड कर देंगे, 2 सूखे हुए लाल मिर्च इसमें ऐड करेंगे हम। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और पालक के ऊपर तड़का लगाएंगे। तो हमारा पालक पनीर की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे थोड़ा सा चलाने के बाद। ये गाय के दूध का पनीर है जो मैंने घर में ही बनाया है,
तो इस पनीर को हम इसमें डाल देंगे। आपको जितना पसंद हो उतना पनीर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हमारी पालक पनीर की सब्जी बनके तैयार हो गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो की रेसिपी आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।